कितने आइटम है आपके? 32। तो 32 तो वही है, ज्यादा ही हो गए फिर। सिंगल आइटम के लिए ना। हाय हेलो नमस्ते प्रणाम छोटे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 2 बजे से, तो मैं कल से बहुत बिजी हूँ। मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल क्योंकि दीपावली आने वाली है, तो मैं तो सफाई पे ही लगी थी। कल भी पूरा दिन सफाई किया मैंने, 6 बजे तक लगी थी, सुबह से 10 बजे से शुरू हो गई थी। तो मैंने कल धोए थे पर्दे, सारी खिड़कियों के और दरवाजे के पर्दे धोए थे, जो कि मैंने सुखाने के बाद लगा भी लिए थे। और आज मैंने किया है, बताती हूँ क्या किया आज मैंने। को मैंने अपने किचन को ये देखो ये वो लगाया है इस पे, और सारे डिब्बे के जो है ढक्कन धोए हैं, वो चिपचिपे टाइप के हो रहे थे। मेरा किचन भी चमकने लग गया है। अब देखो मैंने सारे ऐसे कर रखे थे, ये देखो इधर के उधर। कल मैंने ये सारा स्टैंड धोया, सारे बर्तन धोए, गैस धोया, ये सारा जो ये टाइल्स वगैरह है दीवार की, ये सारी साफ की। वैसे तो कंटिन्यू रोज ही करती हूँ, लेकिन कल मैंने बिल्कुल उस तरीके से किया। ये सारे पर्दे धोए, घर की सारी सफाई, जाले वाले सारे झाड़े। तो आज फाइनली मेरी सफाई पूरी हो चुकी है। मैंने डिब्बे के ढक्कन सुखाने के लिए डाले हैं यहाँ पे, और ये सारी दरियाँ धोई हैं, ये सारे मैट धोए हैं, डोर मैट वगैरह सारे, और बाकी पर्दे वर्दे मैंने चिपका लिए हैं। यहाँ पे डेंगू की दवाई का भी छिड़काव किया जा रहा है। हमारी कॉलोनी में डेंगू के मरीज मिले थे, तो अभी भी शायद ये देख रेख में ही आ रही है टीम, तो यहाँ पर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये मच्छर मर जाएँ। खाने में चावल, और मैं बना रही हूँ चैसा जो हमारे पहाड़ों में बनता था, और मैं यहाँ पे भी बना ही रही हूँ। मिक्सी में दाल को ग्राइंडर किया है मैंने, और ये मीनू दीदी ने पैन से दिया है चूना, ये मैं करूँगी अपने किचन की दीवारों में। उनका बच गया था, तो मैंने बोला था जिसका भी बच जाएगा दोनों में से तो मुझे दे देना। बीच वाली दीदी ने तो परसों कर लिया था, मीनू दीदी और मेरा चल रहा है प्रोग्राम कल से, और कल भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। कल भी पूरे दिन भर थे, आज भी हमारा लगभग पूरा दिन ही निकल चुका है। अभी तक सफाई हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो लगे हुए हैं। अब मैं भी थोड़ा सा पोता पाती करूँगी खुद से ही, क्योंकि दीवारें देखो बहुत गंदी हो रही हैं। यहाँ पे तेल फूल के हाथ लगते हैं ना, यहाँ पे देखो बहुत गंदा हो रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा मैं लीपा पोती, इनमें भी ये पानी गिरा था पहले, तो ये चूना निकल गया है। तो मैंने कहा थोड़ा सा जिसका भी बच जाएगा मैं भी कर दूंगी, जहाँ जहाँ पे गंदा हो रखा है। अदरवाइज तो पेंट किया हुआ था यहाँ पे, तो सही है, उतना गंदा नहीं है। मेरा किचन ही है, सक्षम हाथ उठ लगा देता है गंदे, तो वो गंदा हो जाता है। तो मैं अभी पेंट करूँगी, अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो सक्षम कर रहा है पुताई, देखो ये सारी दीवारें पोत दी हैं इसने। अब चूना लगाने वालों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास चूना करने वाला ऑलरेडी है। ये देखो ये सारे तरीके सीख लो, ब्रश को कैसे घुमाना है, कैसे ऊपर नीचे कहाँ पे रगड़ना है। ये देखो ये दबा जा रहा, तो ये हो रही है सक्षम की पुताई। ये सारी दीवारें चमका दी हैं, ये किचन चमक गया है हमारा। अब थोड़ा बहुत झलमल करे अलमिलप, जहाँ जहाँ दाग लगे थे वो सारे मैंने ब्रश मार लिया एक बार, तो ऐसा लग रहा है अब। इग्नोर करना, क्योंकि चेहरा तो मुंह धोने का भी टाइम नहीं लगा। कल से सफाई के पीछे भाग रही हूँ, और आज तक भी सफाई अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, कर ही रही थी सफाई। अभी मैंने किचन को डेकोरेट किया, लक्की आ गई है, लक्की दरवाज़ा खटखटा रही है, तो दरवाज़ा खोलते हैं पहले। भी आने वाली है, सभी लोगों के घरों में चहल पहल हो रही है। तो हमारी तो दिवाली इस बार नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे गांव में जेठ जी लगते थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ का भी हमें वो नहीं है कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम यही प्रभु से कामना करते हैं। तो कोई बात नहीं, जीते जागते लोगों ने तो इस साल नहीं मनाएंगे, अगले साल मनाएंगे, लेकिन जो चले गए तो
तो मैंने इस तरीके से देखो डेकोरेट किया है आज अपना कमरा। पहले मैंने एक डेस्क साइड लगाया था, अब मैंने वो उधर लगा लिया है, फोटो भी इधर थी इधर लगा लिया है। और आज मैंने पेंट भी किया, जो दीवारें काली हो रही थी उन पे चूना किया, पेंट तो नहीं बोल सकते हैं, चूना बोलते हैं, दीदी ने बचाया था थोड़ा सा तो मैंने कर लिया, जहाँ जहाँ पे काला हो रहा था मैंने आज वो किया। और किचन का सारा डेकोरेट किया ढंग से, वो बिछाया, वो जो मैं लेके आई थी मैट टाइप का रंगीन वाला पेपर, जो भी बोल रहे हैं उससे जो भी बोलते होंगे, और मैंने डेकोरेट किया। ये देखो कैसे किया पता थी। मैं चलती हूँ आपको अपने छोटे से किचन की सबसे ऊपर वाली अलमारी में। तो यहाँ पे मैं डिब्बे रखती थी, बट मैं पहले इस तरीके से नहीं रखती थी, जो ये पीछे बड़े बड़े डिब्बे हैं ना ये वाले, इनको सबको आगे करके रखती थी, इन्हें साइड वाले में रखती थी छोटे छोटे, तो मुझे निकालने में क्या होता था कि सुविधा होती थी, दिख जाता था कि इसमें चीनी है, किसमें दाल है, किसमें कौन सी वाली दाल है। अब मुझे जब मैं निकालूंगी ना बहुत वो होगा, मुझे ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा कि कौन से डिब्बे में क्या है। बट इसमें ये फायदा है कि इतनी जगह बच जा रही है यहाँ पे, जो मेरे अन्य बर्तन होंगे वो आ जाएंगे, पहले स्पेस नहीं बचता था। और इस साइड भी स्पेस बचा हुआ है हल्का सा, थोड़ा जो भी मेरा वो ऐसा सामान रहेगा मैं इधर डाल सकती हूँ उसे। तो मैंने इसलिए लगाया कि मेरा जो ये वो है सामान रखने के लिए जो जगह कम पड़ रही थी तो वो बच जाए, वहाँ पे मैं अन्य सामान रख पाऊँ। पहले ऐसा नहीं था, अब मैंने ऐसा कर लिया है। वैसे वो वाला अच्छा लगता था देखने में भी और वो निकालने में भी। अब तो डिब्बों को ढूंढना पड़ेगा कौन से डिब्बे में क्या है, सिर्फ आगे के छोटे मोटे डिब्बों में ही दिखेगा क्या है, पीछे वाले डिब्बों में नहीं देख पाऊँगी, वहाँ चढ़ के निकालना पड़ेगा। तो ये थी मेरी आज की सफाई, अभी भी मैंने ढंग से सफाई नहीं की है, बट मैंने जैसे भी किया है तो अपने किचन को ऐसे डेकोरेट किया है, इधर भी सफाई की है, इधर पुताई की है, देखो आज चमक रहा है ना। ये देखो दीवारें बहुत काली हो रही थी, मैंने इन दीवारों पे सारा ये इधर पोता हुआ है, ये देखो बेदाग कर दिया है मैंने, ये देखो। तो मैं एक छोटी सी सीख भी देती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लोग कहते हैं दिवाली से पहले लोग घरों की सफाई क्यों करते हैं, क्योंकि दिवाली में तो दिवाली किस लिए मनाते हैं, उस दिन हम लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, और अयोध्या वासियों ने इस खुशी में घी के दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी मतलब। तो इसीलिए उस दिन दिवाली मनाते हैं, जो मैंने पढ़ा है कार्तिक मास की पूर्णिमा को आती है दिवाली, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और जिस हिसाब से हम सफाई करते हैं वो इसलिए करते हैं, ये तो शहरों में अधिकतर है, गांव में तो आजकल फुर्सत नहीं होती, घास काटना है, दालें निकालनी, चौलाई चुलाई बहुत काम होता है गांव में, लोगों को पानी पीने की तक फुर्सत नहीं होती है। लेकिन हम शहरों में इसलिए करते हैं। सफाई 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है दैनिक सफाई, एक होती है मासिक सफाई, और एक होती है वार्षिक सफाई। दैनिक सफाई में हम रोज़ झाड़ू पोछा जो करते हैं, किचन साफ वो करते हैं, मासिक सफाई में गद्दे सुखाना, ये करना वो करना, कपड़े कुपड़े झाड़ झूड़ करके रखना, थोड़ा जो जाली जूले हुए रहते हैं, पंखे पुंखे साफ करना, ये हमारी मासिक सफाई में आ जाता है। और जो वार्षिक सफाई होती है उसमें हम बहुत डीपली जाते हैं, जो भी कोने काने का गर्दा होगा, कपड़े से लेके जो भी हमें कबाड़ कुबाड़ है वो सारा निपटाना होता है, पुताई रंग रोगन बहुत सारी चीज़ें होती है, पूरे घर को मतलब दुल्हन की तरह सजाते हैं, ये वार्षिक सफाई में होता है। तो ये वार्षिक सफाई हम दिवाली में ही करते हैं, दिवाली को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष में दिवाली हमारा सबसे मतलब पर्वों में से अगर माना जाए तो सबसे बड़ा पर्व है दिवाली का, और बहुत धूमधाम से लोग इसकी तैयारी करते हैं, इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, दुल्हन की तरह अपने मकानों को, अपने घरों को, अपने ऑफिस को, अपने दफ्तरों को, जो भी जहाँ पे जो भी करना चाहे साज सजा करके, रंग रोगन करके, उसको डेकोरेट करके तब दिवाली मनाते हैं। तो ये था दिवाली में सफाई करने का मेन मुख्य कारण, कि हम इसलिए करते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, हमारी पूरी सफाई भी हो जाए, क्योंकि रोज़ तो सफाई हो नहीं पाती है इस प्रकार से, 3-4 दिन हम भी लगे हुए हैं देखो फिर भी नहीं हो पाया है, तो ये वार्षिक सफाई में आता है, समझ रहे हो। तो यही कोई लोग कहते थे क्यों करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि सफाई भी हो जाए, अच्छा भी लगे, घर का डेकोरेशन भी हो जाए। तो चलो एक बात और बताना चाहूँगी, आज हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, तो सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, उन शहीदों को, उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने में, उनको सत सत नमन। एक बार पुनः सभी उत्तराखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं अपने राज्य की स्थापना दिवस की। तो मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारा राज्य उत्तराखंड है, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है हमारे राज्य को। तो क्या ही कह सकती, ज़्यादा तो मुझे भी अभी नहीं आ रहा है कैमरे के सामने बोलना, पर जितना भी हो रहा है मैं आपको बधाइयाँ दे रही हूँ। तो मैं भी सफाई पे ही लगी थी, एक तो दिमाग भी आजकल ऐसी हो रहा है, एक तो स्वास्थ्य खराब चल रहा है, ऊपर से
कि सफाई 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 लगी हूँ, तो अब जाके भी ढंग से कंप्लीट सफाई नहीं हो पाई। अभी मैंने वो लगाया है डिब्बे डुब्बे जो किचन में लगाने थे वो लगा लिया है। सक्षम को अभी सुलाया है, और दिन तो ये उठ जाता था बट आज मैंने सुलाया है इस टाइम पे, क्योंकि दिन भर मैं भी बिजी रहती हूँ, थोड़ा खाना भी थोड़ा लेट ही हो पा रहा है आज और कल के दिन में। तो चलो अब मैं फ्री हो जाऊंगी कल से। आज आज की मेरी सफाई थी, थोड़ा पुताई वगैरह की, किचन साफ किया, उसमें बिछाया, ये पर्दे पुर्दे लगाए, ऊपर से ये पर्दा बहुत बड़ा था, ये देखो इस पर सफ़ेद लाइन लग गई ना, सफ़ेद धागे से सिला हुआ है मेरा, मुझे रेड कलर का धागा नहीं मिला। और मैं देख रही थी बहुत लंबा था पर्दा, नीचे तक आ रहा था, बिस्तर में फैला था, और सक्षम झूला जैसा खेलता था उस पर, और ऊपर से वो नीचे छटक जाता था, इसलिए मैंने इसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। ये भी मैंने किया, बहुत सारे काम किए मैंने आज के दिन में। तो चलो, तो दीदी जा रही हैं दिवाली पे गांव, और वो करके आई हैं शॉपिंग बच्चों के लिए भी, खुद के लिए तो कर लिया था उन्होंने, तो ये दिखा रही हैं क्या क्या लेके आए हैं घर वालों के लिए भी, अपने लिए भी पसंद कर ली है। और ये दुकानदार है, इनसे खरीदारी करनी है हमें, बताओ कौन सा लेना है। कौन सा पसंद आ रहा है, देखो ये सौर्य लोगों के लिए लिया है, तनिष्क के हैं, हाँ, और ये भैया का है, भैया का कुछ नहीं है वो तो है, हाँ, ये, हाँ, ये इसके दादू का है, अच्छा ये दादी का है, अच्छा ये दादी के लिए सूट, हाँ, अच्छा लग रहा है ना सूट, हाँ, अरे यार मुझे क्यों नहीं मिले ऐसे, वहीं से लाई थी मैं जहाँ से तुम लाई हो, देखो 850 रुपए का है, तो देखो हम जो भी चीज लेके आते हैं अगल बगल हमें बिना दिखाए मतलब चैन नहीं आता है, एक दूसरे को बताना इतना जरूरी है। पहली बार कुर्ता पहनेंगे, तो ये स्टोर मैंने पहले भी बताया था, ये है हमारा स्टोर। आज सामान आया था, मैंने सामान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रख लिया है यहाँ पे। यहाँ पे 9 पैकेट तो तेल के ही हो रखे हैं, जब पिछली बार अगली बार राशन मंगाएंगे तो ये नहीं मंगाएंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि अब रखने के लिए जगह भी चाहिए, इतना स्टोर करके भी क्या फ़ायदा। तो 9 पैकेट तो तेल के ही हो गए हैं, ये देखो। और जो मुझे किचन में रखना है वो मैंने इस तरफ रखा हुआ है, ये मैं डिब्बे में डालूंगी, और ये इधर है, इन्हें भी अलग करके रख दूंगी क्योंकि ये भी किचन में ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो इन्हें अलग रख के फिर डिब्बे में भरूंगी। बाकी जो चीज़ें अभी यूज़ में नहीं है वो मैं स्टोर में रख रही हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से ले लेते हैं। बन चुके हैं 9, मेरी सब्जी पक रही है, आटा मैंने गूंद रखा है, तो बनाऊंगी अभी खाना। तो दीपावली की रौनक भी हमारे शहर में तो काफ़ी उत्साहित हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग, क्योंकि दीपावली त्यौहार ही ऐसा है, उत्साह सबको मतलब दिवाली की वो रहती है कि दिवाली आएगी हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, सबको इंतज़ार रहता है दिवाली का। दिवाली ऐसा त्यौहार है खुशियों से ही भरपूर, तो कोई पटाखे भी फोड़ रहा है, आवाज़ आ रही है, कोई ये लाइटिंग वाइटिंग लगाने में लगा है, किसी के घर में चमक धमक हो रही है, हम हैं हमारे घर में अभी कुछ नहीं क्योंकि दिवाली नहीं लगती है। चलो कोई बात नहीं, तो आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और धनतेरस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। कल है 10 नवंबर और कल है धनतेरस, तो खूब धन खर्च करो, कोई सोना खरीदेगा, कोई चांदी, कोई बर्तन, कोई कुछ, खरीदते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तब तक के लिए बाय बाय।